ही एवरीवन, हेलो एंड नमस्ते। मेरे चैनल अंकिता अलाहाबादी रियल लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मेरी वीडियोस बहुत लेट हो गई है, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, मैं बाहर चली गई थी, उस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आज मैं आपके लिए, जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपके लिए जो है एक रेसिपी लेके आई हूँ, मेरी जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो कह लें कि उनकी बहुत ही फेवरेट डिश है ये। और तो बगैर लेट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी के थेपले बनाने के लिए, जैसे कि एक छोटा सा ट्रिक बताऊँगी इसे बिनने के लिए, अक्सर ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि मेथी को बिने कैसे। तो यहाँ पे जो है मैं एक प्लेट में, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मेथियाँ लेके, जैसे हम लोग चावल बिनते हैं, तो यहाँ पे इसे इजी ये हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी मेथियाँ उसमें हम प्लेट में लेके, और जो उसमें ख़राब पत्तियाँ हैं या फिर इस गली हुई पत्तियाँ हैं उसे निकाल दूँगी, और ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके हम मेथी को अगर बिनते हैं तो हमारी मेथी बहुत ही जल्दी और अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने मेथी को वॉश कर लिया है, और वॉश करने के आधे घंटे तक मैंने इसे रख दिया था, उससे सारा पानी इसका जो है निकल गया है। अगर आपको जल्दी है तो आप कॉटन की टॉवल या किसी कॉटन के कपड़े में आप उससे अच्छे से इसे पोंछ सकते हैं, ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने मेथी को जस्ट रफली ही अपने हाथों में एक बंडल टाइप का बना लिया है, और उसे कस के बिल्कुल पकड़ूंगी और फिर सारी मेथियों को बारीक बारीक काट लूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी मेथियाँ जो हैं कट चुकी हैं, और उसके साथ ही मैं जो आलू परवल की भुजिया बना रही हूँ उसके लिए यहाँ पे मैं सब्जी को कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि लंबे शेप में मैंने इसे कट किया है। जो भी भुजिया बनती है अक्सर हम लोग ऐसे ही आलू कट करते हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरह से आलू कट कर लिया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आयरन की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। यस, मैं गाइज आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा आप कोशिश करिए कि आयरन की कढ़ाई ही यूज़ कीजिए। मैं भी 80% यही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो है अब हम इसमें छौंका लगाएंगे। तो छौंका लगाने के लिए यहाँ पे मैंने जीरा, और इसमें लंबे साइज़ में भी इसमें हरी मिर्च कटेगी, और हरी मिर्च डाली है मैंने। हींग भी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, इस समय मेरे पास है नहीं इसलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इन तीन चीज़ों से हम इसमें छौंका लगा दिए हैं। देन अब इसके बाद जो है, जो हमने सब्जी काट के रखी थी उसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसका हम तड़का लगा देंगे। फिर उसके बाद सब्जी को थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट तक, और फिर उसके बाद इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके इसे ढक देंगे। फिर इसे बीच बीच में हम देखते जाएंगे, साथ ही साथ हम इधर जो है पराठे के आटे के लिए भी तैयारी कर ले रहे हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी डेगी मिर्च, हल्दी, कटी हुई हरी मिर्च और नमक, अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, और उसके बाद जो हमने मेथी काट के रखी हुई थी उसे ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हम सब्जी का भी ध्यान देंगे, बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्जी ज़्यादा गले ना। और उसके बाद हमने जो है इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया है, दही हमने 2 से 3 स्पून इसमें ऐड किया है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है दही और हल्दी, तो मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा और ऐड किया है। और उसके बाद जो दही का पानी होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कटोरी में बचा हुआ है, तो उसे मिक्स कर देंगे इसी में आटे के साथ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है आटा लगा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं उसे सब्जी को चलाने के लिए। तो ऐसे ही लाइफ में मिल के काम होता है, खुशी खुशी तभी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती है। और तो खाने की अगर हम बात करें तो खाना जितनी खुशी खुश दिल से बनाया जाए उतना ही खाने का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ रिश्तों का यहाँ पे प्यार भी बढ़ता है। और इसी तरीके से मैं आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। और अब मेरे हस्बैंड कहीं चले गए हैं, तो अब मुझे अपने आटे भरे आटे लगे हुए हाथों से ही सब्जी चलानी पड़ रही है। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पे मेरी सब्जी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुकी है। और सब्जी की यहाँ पे ख़ास बात ये है कि इसे जब तक बिल्कुल रेड फ्राई ना हो जाए, जैसे कि भुजिया स्पेशली इसके नाम से ही समझ में आता है कि जब तक बिल्कुल अच्छे से रेड कलर का इसमें कलर ना आ जाए सब्जी में, तब तक जो है सब्जी को मेरे हस्बैंड स्पेशली नहीं पसंद करते, तो इसीलिए उनके लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही इसे फ्राई करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं सब्जी कितनी ज़्यादा फ्राई हो चुकी है, मेरे लिए तो सफिशिएंट है लेकिन
हस्बैंड के लिए मैं थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्जी भी हो चुकी है। तो यहाँ पे रायते की थोड़ी सी मैं तैयारी कर ले रही हूँ। तो रायते के लिए मैंने दही में जो है नमक, काला, दोनों टाइप के नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, और उसके बाद जो है बूंदी मिक्स करके, और यस स्पेशल इनका मसाला रायते का, वो मिक्स करके मैंने एक तरफ रख दिया है उसे। और उसके बाद यहाँ पे आटे में हम एक चम्मच जो है चिकना लगा के फिर उसकी सारी लोइयाँ बना लेंगे, तब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है। और लोइयाँ थोड़ी सी में भी चिपकेगी तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप चाकू से जो भी आपके हाथ में लगा हुआ है आप इजीली हटा सकते हैं। प्लीज़ चाकू का ध्यान दीजिएगा कि चाकू की तेज़ धार से आप अपने हाथों को साफ ना करें, जो उसका अपोजिट साइड होता है उससे अपने हाथों को क्लीन करें। और उसके बाद यहाँ पे हम अपने थेपले को या पराठे को बेल के तैयार कर लेंगे, एज सिंपल जैसे हम रोटी बेलते हैं, चपाती बेलते हैं, उसी की तरह। और यहाँ पे हमारे सारे पराठे जो है सेक के रेडी कर लूँगी। तो पहले यहाँ पे मैं जो एक पराठा मेरा सेक जाएगा तो फिर मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा दूँगी, उसके बाद जो है मैं सारे पराठे सेक के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे पराठा सेक के रेडी है, और उसके साथ रायता और आलू परवल की भुजिया और विंटर के न्यूट्रिशन भरे मेथी के थेपले रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में, खाने में तो मेरे हस्बैंड खा के बताएंगे उसे। तो इसी के साथ मेरी आज की ये रेसिपी की वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरी ये डिश थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ यार एक लाइक तो ज़रूर करो, क्योंकि लाइक करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम वीडियो देखने में लगा है। तो अगर वीडियो देखी है और अब वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही कुछ अच्छा सा लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।